गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था क्लास 10 पॉलिनोमियल का एक वीडियो लेके आऊंगा। सो आपके लिए आज लेके आ रहा हूँ एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होती है। तो पॉलिनोमियल एक टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट तीनों होते हैं। बट यहाँ पे हम देखेंगे दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब स्टूडेंट्स पावर ऑफ एक्स। तो पावर ऑफ एक्स यहाँ एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता और एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसी चीज को स्टडी करेंगे। सपोज करें स्टूडेंट्स, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे रूट ओवर एक्स, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ओवर एक्स। तो क्या हम स्टूडेंट्स रूट ओवर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेस टू द पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एक्स रेस टू द पावर 1/2 जो है वो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास x की पावर -2 है, x की पावर -2 है तो यहाँ पे देखिए x की पावर -2 जो हो x square या 1/x² बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोल सकते हैं 1/x², ये भी यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो माना जाएगा बट ये पॉलिनोमियल फिर यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 1/x हमने यहाँ पे लिया है तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर -1, अगेन सेम केस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज हमको समझ में आ रही है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्रुप होता है वो काफी बड़ा होता है। तो आइए इसको एक वेन डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ any of the set। तो यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगल बनाया स्टूडेंट, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्कोप थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये जो आउटर वाला है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता, जबकि ये अंदर वाला जो हमारे पास है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इससे हम एक स्टेटमेंट क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स। क्या स्टेटमेंट होगी दैट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम क्या बोल सकते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे के सारे जो पॉलिनोमियल्स रहते हैं वो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो आज हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स का देख लिया है। अगली क्लास में हम देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आप लोग अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।